नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं आज इस वीडियो में इस अमेज़ॉन से आए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देखते हैं इस अनबॉक्सिंग में क्या है। तो दोस्तों, मैंने ये बोया M1 का एक माइक मंगाया था, जो कि अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, जो मुझे आज चौथे दिन में आया है। तो चलिए, आप इसे खोलते हैं। काफ़ी हैवी इसकी पैकिंग है, ताकि इसके प्रोडक्ट को कोई नुकसान ना हो। काफ़ी हार्ड इसकी पैकिंग है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये निकल के आया है, बोया M1 का माइक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, अब मैंने अभी यहाँ से ये ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से। काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, और इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है माइक है शायद, और ये इसका यूज़र मैनुअल है। चाहे तो आप इसे पढ़ के यूज़ कर सकते हो, या फिर ये डायरेक्टली यूज़ करते हो। वैसे तो आप डायरेक्टली यूज़ कर देते हो, क्योंकि सभी डायरेक्टली यूज़ करते हैं इसे। अब आप बात करते हैं इस बैग की। बैग में आप देखते हैं इसे, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसमें अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी चिमटी, जिसमें हम कॉलर माइक लगाते हैं, और इसमें इसमें सेल दिया गया है। और ये है काफ़ी 20 फुट की ये है केबल है इसकी, जो कि काफ़ी दूरी तक काम आ रही थी। और ये है फ्रेंड्स इसका, इसमें बैटरी लगाने का सिस्टम है, और इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की इस वीडियो में, और मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ कैसे लगता है ये। सो फ्रेंड्स, ये है इसका कैप, जो कि इससे काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। सभी लोग यूट्यूबर इसी माइक का यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे फिलहाल लोकल माइक है, जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में इसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास अब बोया M1 का माइक है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी चिमटी। अब कैसे इसे लगाते हैं, तो सिंपली डायरेक्टली इसे इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, या हटा देते हैं इसे। इसे थोड़ा सा हल्का सा दबाव डालेंगे इसमें, और ये इसे पकड़ लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये काम करने लगे। अब ये इस तरीके से लग गए, और आप इसे इस कैप को यहाँ से लगा सकते हैं। चाहे तो इसका कैप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे धूल मिट्टी ना जाती है। अगर आपका माइक ओपन ही रखा रहता है, तो इसमें धूल मिट्टी ना जाती है, वरना इसे हटा के भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये इसका क्लिप, यानी कि इस क्लिप को किसी चीज़ में लगा सकते हो, यानी कि जैसे कपड़े में लगाने के, अगर आपको थोड़ा साइज़ बड़ा है, या आस पास में कहीं लगाना है, तो इसे लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसकी काफ़ी अच्छी केबल है, इसकी लंबी है। और फ्रेंड्स, ये है बोया M1 का माइक। तो फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल माइक है। इसके देखो बैक पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोकल वाले भी इसे लगाते हैं, तो इसे बहुत ही आसानी से लॉक कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।